तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था अभी तक? सेल स्टार्ट किया था, सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पार्ट्स पढ़ लिए थे। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? इन प्लांट सेल्स सेलुलोज की। और फंगाई में काइटिन की। और एल्गी गैलेक्टोज। न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस दो भाग हैं। तुम लोगों डंडा लेके दौड़ा के मारो। न्यूक्लियस यानी केंद्रक के चार भाग होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? न्यूक्लियस एनवलप या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर जो केंद्रिका जिसे बोला जाता है, और क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है? ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था? आरएनए पढ़ा था। आरएनए कितने टाइप के बताए थे? तीन टाइप के, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। बताओ एमआरएनए काम क्या है? संदेश वाक्य में संदेश लेके जाता है भैया, यहाँ पे प्रोटीन की जरूरत होती है। अब ये लोग करते क्या है? राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है इनका। फिर इसके बाद हम बात करने वाले थे किसकी? क्रोमोसोम की। गुणसूत्र, तो हमने क्या बताया था? गुणसूत्र कब बनते हैं? जब डीएनए में क्या लग जाए? हिस्टोन प्रोटीन लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है? तो क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और इसमें क्या लगे होंगे? हिस्टोन प्रोटीन के ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन। तो इसी को हम लोग क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब ये जो इसमें ये लगे हुए हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये क्यों लगे हुए हैं हिस्टोन प्रोटीन? अब है क्या न्यूक्लियस के ये बाहर ना जा पाए? अब ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रेट रहेगा हेलिक्स। अभी क्या हो सकता है, ये डीएनए के बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन इसको बाहर जाने से कौन रोकता है? हिस्टोन प्रोटीन। इसीलिए डीएनए की पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो लिख लो हिस्टोन प्रोटीन हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक? कोई दिक्कत यहां तक? अब डीएनए की खोज किसने की? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई परकिंजे या फ्लेमिंग, ध्यान रखना परकिंजे या फ्लेमिंग। परकिंजे नाम ज्यादा पूछा जाता है, फ्लेमिंग कम मिलता है। बाई चांस की बात है, कभी कभी फ्लेमिंग पूछ ले तो आप उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है? इसको नोट करो। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं। क्रोमोसोम को अगर देखना हो तो ये तभी दिखेंगे जब सेल डिवीजन हो रहा हो, यानी कोशिका विभाजन हो रहा हो। लिख लो सेल क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। गुणसूत्रों को कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है।
अब ये जो गुणसूत्र होते हैं ये पाए कैसे जाते हैं? ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। कैसे? पेयर्स यानी जोड़ों में पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन में है, यानी मानव में, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर पाए जाते हैं, 23 पेयर्स, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जीवों में अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे चिंपैंजी एक ऐसा जानवर जिसपे हमसे ज्यादा होते हैं, उसमें 24 पेयर्स होते हैं। मटर में 7 पेयर्स होते हैं, गेहूं में 21 पेयर होते हैं, ड्रोसोफिला में 8 पेयर होते हैं। तो इस तरीके से सब में अलग अलग हैं, ये आप नोट कर लेना। फिर बात करते हैं अभी कैसे होते हैं। अब इनका डिवीजन किया गया है, इनको दो भागों में बांटा जाता है। दैट वन इज ऑटोसोम एंड अनदर वन इज एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम। अब देखो ऑटोसोम क्या होते हैं। ऑटोसोम मेल हो या फीमेल हो, जब बच्चा पैदा होगा तो मेल हो या फीमेल हो, ये ऑटोसोम हमेशा सेम रहते हैं। दैट मीन्स ये कितने हैं? 22 पेयर्स हमेशा सेम रहेंगे। और एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम मेल में अलग होते हैं, यानी पुरुष में अलग होते हैं और महिलाओं में अलग होते हैं, ठीक। और इन्हीं को सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। क्या? लिंग निर्धारण करने वाली गुण सूत्र। कैसे? अब जब आपका ये एक्स और एक्स मिलेगा तो होने वाला बच्चा जो होगा वो क्या होगा? बेबी गर्ल। कोई दिक्कत? फिर वही, फिर एक्स और वाई मिलेगा तो होने वाला बच्चा जो होगा वो क्या होगा? बेबी बॉय होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो याद रख लेना, तो हमेशा जो लिंग निर्धारण का कार्य है वो पुरुष पे निर्भर करता है, कभी महिला पे निर्भर नहीं करता है। हमारे यहाँ चला आ रहा है पुरानी परंपरा कि महिलाओं को ही टॉर्चर किया जाता है, तो हमें क्या करना है? उससे बचना है, लोगों को ये सब ना ही हो। अब तो काफ़ी हम लोग सुधर गए हैं, इससे और भी सुधार लाया जा सकता है। इसको नोट कर लो। ठीक है, अब क्या होता है अगर इन क्रोमोसोम्स में कोई मान लो बच्चे के पैदा समय कुछ गड़बड़ी हो जाए क्रोमोसोम्स में, और उस गड़बड़ी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसे बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। चेंज इन क्रोमोसोम्स इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स कौन किस में होते हैं? एलोसोम्स में होते हैं, और मोस्टली क्या है? मेल्स पे डिपेंड करता है होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। अब अगला क्या है, कभी कभी इनमें गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो होने वाला होता है वो होता है किन्नर यानी ट्रांसजेंडर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, क्लेन फेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, अब जो किन्नर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मेल ट्रांसजेंडर होता है, एक फीमेल ट्रांसजेंडर होता है। मेल ट्रांसजेंडर में क्या होगा, सपोज दैट आपके 22 पेयर्स जो ऑटोसोम के थे वो आ जाएं, प्लस क्या हो,
अब इसमें क्या जाए एक्स और वाई हो जाए तो ये क्या बनेगा बेबी बॉय। लेकिन इसी में कभी कभी क्या होता है एक एक्स आ गया और एक्स क्या डिटरमाइन करता है फीमेल के करेक्टर। हो सकता है जो होने ये किन्नर होगा उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा उसका शरीर की बनावट होगी पुरुषों की तरह होंगे, उसके मसल्स थोड़े से ज्यादा ग्रोथ वाले होंगे क्योंकि महिलाओं में क्या होता है मसल्स बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करते लेकिन पुरुषों में मसल्स ज्यादा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। उसको दाढ़ी आ रही होगी लेकिन समस्या उसको क्या होगा उसके बाकी जो बॉडी के फीचर्स होंगे वो फीमेल से मैच कर रहे होंगे, हो सकता है उसकी आवाज पतली हो, ठीक। तो ये सब क्या दिखाते हैं, ये क्या दिखाएगा, ये क्या है मेल ट्रांसजेंडर। अब क्या है सपोज दैट क्या हुआ कि आपके 22 नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है फीमेल ट्रांसजेंडर की, ट्वेंटी टू ऑटोजोम्स एज इट इज आ गए और आगे क्या आया एक्स और एक्स, ये क्या बता रहा है ये होने वाला बच्चा क्या है बेबी गर्ल है। बट इसमें क्या आ गया एक वाई आ गया। अब इस केस में क्या होगा उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो लड़की के जैसी होगी लेकिन अचानक से क्या होगा उसकी आवाज में बदलाव हो जाएगा। आप लोगों ने मुगल पीरियड में कई बार सुना कि कई सारे कोई बादशाह ऐसे हुए जो किन्नरों के पीछे पागल थे। अब देखो इसमें हम लोग क्या करना है इस अब इसमें जो कुछ जो क्रोमोसोम से कभी कभी नंबर्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं उनको आप नोट कर लेंगे कैसे। ड्रोसोफिला में कितने पेयर होते हैं 4 पेयर्स होते हैं दैट मींस 8 क्रोमोसोम्स, ठीक है। चिंपैंजी इसमें 24 पेयर्स होते हैं दैट मींस 48 काउंट में करेंगे तो 48। फिर इसके बाद वीट यानी गेहूं, गेहूं में कितने होते हैं 21 पेयर। फिर कैट बिल्ली में 19 पेयर्स होते हैं और मटर यानी पी में 7 पेयर्स होते हैं और यही वो मटर है जिसपे पहली बार जेनेटिक्स की एक्सपेरिमेंट किए थे किसने ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसको नोट कर लो। अब अगली बात हम किसकी करते हैं, अगली बात करेंगे जेनेटिक्स की यानी अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी का जनक किसे माना गया है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अब देखो ये आपका डीएनए है अब डीएनए के जब छोटे से हिस्से को काटा जाता है द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ डीएनए इसको जब काट के हमने अलग किया तो इसे कहा जाएगा क्या जीन। तो अनुवांशिकी की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की बट जीन की डिस्कवरी किसने की इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉनसन। और इसी जीन के अध्ययन को स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिक्स। अब क्या है
अब आप में या आपके फादर में बहुत सारे ऐसे करेक्टर होते हैं, हजारों करेक्टर होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आपके यहाँ के क्या है, आपको कुछ पता होगा ना कि आपके कुछ करेक्टर आपकी मम्मी से मिल रहे हैं, ऐसा है क्या? कुछ करेक्टर पापा से मिल रहे हो, या हो सकता है आपके दादाजी से मिल रहे हो या नाना जी से मिल रहे हो, ठीक है? तो ये करेक्टर्स मिल जाते हैं जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, हो सकता है एक जनरेशन से ऊपर की भी जनरेशन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। और इसी में ये किसमें पढ़ते हैं हम लोग, ये जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, क्या, टू ट्रांसफर द हेरिडिटरी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या है, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी है। यू कैन नोट डाउन ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण अनुवांशिकी कहलाती है। अब आपके जेनेटिक करेक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक करेक्टर्स में सबसे ज्यादा क्या डोमिनेट करते हैं, कौन कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो सबसे इजीली विजिबल है हमको, वो क्या क्या होते हैं, आपका हेयर कलर, बालों का रंग आपके माता पिता से ही आपको मिला होगा, फिर आई कलर यानी आंखों का रंग भी आपको किससे मिला है, हो सकता है आपके पेरेंट से मिला हो या ग्रैंड पेरेंट से मिला हो, कोई समस्या नहीं। फिर इसके बाद स्किन कलर, ये भी क्या होता है, त्वचा का रंग भी आपको आपके पेरेंट से ही मिला होता है, मोस्टली चांसेस यही होते हैं, या हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हो किसी का। तो क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर कौन कौन से देखे जाते हैं जेनेटिक्स में, हेयर कलर, आई कलर और स्किन कलर, ठीक है? इसके बाद इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट जीनोम, जिसमें बताया गया था ह्यूमन में 30,000 जीन्स होते हैं, कितने जीन्स होते हैं, 30,000 जीन्स, मतलब क्या 30,000 अलग अलग करेक्टर होंगे जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं। कोई इश्यू यहां तक, नोट कर लो, ठीक है? तो आपका क्रोमोसोम्स और जीन्स खत्म हो गए, अब हमें क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका नाम क्या है हिंदी में, इसको बोलते हैं सूत्र कणिकाएं। ठीक है, कभी कभी हिंदी में दे देता है, हिंदी मीडियम वाले फिर परेशान हो जाते हैं, अब ढूंढ ही रहे हैं उसको हिंदी में, तो क्या बोलते हैं, सूत्र कणिकाएं। तो सबसे पहली बार इसको किसने देखा, सबसे पहली बार एक कोलिकर नाम के साइंटिस्ट थे, क्या, कोलिकर, और इन्होंने क्या किया,
एक इंसेक्ट को पकड़ा और उसकी सेल निकाली, सेल निकाली और उस सेल में क्या देखा इन्होंने, एक माइटोकॉन्ड्रिया देखा। और इसरो ने उसका नाम रखने की कोशिश की क्या, सैक्रोसोम। कोई दिक्कत? लेकिन ये काम चला नहीं। तो बाद में इसकी खोज 1890 में बताते हैं ऑल्टमैन और फ्लेमिंग ने की है। जो एनसीईआरटी की बुक्स दी हैं उसमें दोनों के नाम अलग अलग दिए हैं, ठीक है। ऑल्टमैन ने इसका नाम रखने की कोशिश की बायोप्लास्ट, ठीक। और फ्लेमिंग ने इसका नाम रखने की कोशिश की क्या, फिला, ठीक है। अब फिला नाम रखने की कोशिश की, और फिला क्या होता है, अपने आप जूते का एक ब्रांड है। और ये जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है वो भी एक क्या होता है, जो जूते का सोल होता है, जूते चप्पल का सोल, उसी शेप में होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी। कोई दिक्कत यहां तक? तो कोलिकर ने सबसे पहली बार देखा, नाम क्या रखा, सैक्रोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डिस्कवरी, ऑल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने की, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसका नामकरण किसने किया, एक बेंड नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसका नाम क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसने इसका नाम रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया ने। खोज किसने की है, ऑल्टमैन और फ्लेमिंग ने। कोई दिक्कत यहां तक? फिर इसकी बात, इसको पहली बार प्लांट सेल में किसने देखा, तो पहली बार मेव्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पहली बार पादप कोशिका में देखा। किसमें देखा, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल, पहली बार पादप कोशिका में देखा। कोई इशू? फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट और थे, एक का नाम था बेंसले और साथ में थे कौन, हॉर। बेंसले और हॉर, इन्होंने क्या किया, बहस चल रही थी भैया सेल हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया लीवर सेल में होता है, इसमें होता है, उसमें होता है, तो किसी ने कह दिया होगा लीवर सेल में नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, लीवर उठाया, लीवर की एक सेल निकाली और उससे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के अलग कर दिया। तो देखो भैया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया लीवर सेल में भी होता है। और ये पूछा जाता है, हु आइसोलेटेड द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को किसने अलग किया और कहां से अलग किया, लीवर की कोशिकाओं से। फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम लीवर सेल्स, ठीक है। पहली बार इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को लीवर की कोशिकाओं से अलग किया, किसने, बेंसले और हॉर ने। इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है कि नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में होता है, किसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो शेप है इट इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहली बात, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, और क्या होगा, एब्सेंट किस में हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। इट इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल, कैसा होता है, इन शेप।
आकार की बात करें तो ये कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसकी डायमीटर की बात करें, 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक। और इसकी लेंथ 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। कोई दिक्कत यहां तक? अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक खासियत और है, इसमें अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, और जो कि क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, विट इज सिंगल हेलिक्स, यानी एक कुंडली होता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया विच इज सिंगल हेलिक्स। इसमें डीएनए उपस्थित होता है जो कि कैसा होगा, एक कुंडली है। अब इसमें क्या है, अब तुमको बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में क्या होते हैं, राइबोसोम्स है। इट हैज राइबोसोम, कौन सा, 70S। तो मैं क्या बता रहा था कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें कौन सा होता है, 70S, और यूकैरियोटिक में 80S। अब होता क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोटिक से सिमिलरिटी रखती है, इसलिए इसमें कौन सा, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 70S, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये कैसा होता है, बाइलेयर्ड, मतलब दोहरी परत होती है इसमें, और अंदर कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इसकी बाहर की लेयर होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टे बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन प्लस लिपिड्स, यानी ये प्रोटीन और वसा से मिलके बनी होती है। प्रोटीन कौन सा है, लाइपोप्रोटीन, और वसा, वसा ही है, दैट इज लिपिड। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अंदर का जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो क्या है, डीएनए में, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। और जिस सेल में अपना खुद का डीएनए हो वो अपने आधे से ज्यादा काम खुद कर लेती है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ सेल। यह कोशिका का अर्ध स्वायत्त भाग है या कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अब इसमें क्या है, डीएनए है, और डीएनए होने की वजह से अपने सारे काम खुद कर रहा है, इसे क्या कहा गया, सेमी ऑटोनॉमस पार्ट कहा गया। अब क्या है, ये सेल के अंदर एक सेल जैसी एक्टिविटी करता है, कैसा काम करता है,
सेल की तरह, सेल के अंदर एक सेल की शेप का है। हमने क्या बताया, इसकी सिमिलरिटी किससे मिलती है, प्रोकैरियोटिक से। तो ये क्या है, सेल के अंदर सेल जैसा है, इसलिए इसको कहा जाता है, इट इज नोन एज सेल विद इन अ सेल, ऑल्सो नोन एज सेल विद इन अ सेल। इसे कोशिका के भीतर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हमेशा याद रखना। अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पे जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं, यहां पे होता है रेस्पिरेशन। ये कोशिका के अंदर श्वसन का काम कराता है, इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन इज अकर्ड ड्यू टू इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या कराता है, कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया यही करवाता है। और व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन है क्या, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो उसको क्या मतलब, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन करके, ऑक्सीजन देके उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन बोलते हैं। C6H12O6 इससे हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। और यही एटीपी क्या है, ये एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये याद रखना, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और यही ऊर्जा हमारे सेल को क्या करती है, ऊर्जा देती है, उसको फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है, और वही ऊर्जा फिर हमारी बॉडी में भी काम करती है जब सेल में मिलेगी। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को स्टोर हाउस, एनर्जी स्टोर हाउस भी कहा जाएगा, ऊर्जा का संग्रह केंद्र, यहां पे ऊर्जा स्टोर की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ऑल्टमैन और फ्लेमिंग ने। पहली बार किसने देखा, कोलिकर ने देखा। इसका नामकरण किसने किया, बेंड ने किया, ठीक है। और इसके पहली बार इसको पादप कोशिकाओं में किसने देखा, मेव्स ने देखा था, क्या करते हो। फिर इसके बाद इसको पहली बार लीवर सेल से किसने आइसोलेट किया, मेंसले और हॉर्ने, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, द्विपरतीय होता है, डबल लेयर होता है। बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, जो किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन्स और लिपिड्स की, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर के पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी कहा जाता है, या सेमी ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ सेल बोल दोगे, कोशिका का अर्ध स्वायत्त भाग। अब ये क्या है, कोशिका के अंदर कोशिका जैसा बिहेव करता है भाई, जिस सेल में जब किसी पार्ट में डीएनए पाया तो हमने क्या कहा, उसे सेल कह दिया, डीएनए और आरएनए दोनों है इसमें, तो इसे क्या कहा गया, सेल विद इन अ सेल। अब ये क्या काम करता है कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ध्यान रखना, द प्लेस वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ऐसी जगह जहां पे श्वसन होता हो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है।
ठीक है। और श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन देके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज एटीपी, एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यही ऊर्जा कोशिका को कार्य कराने में हेल्प करती है। भाई एनर्जी नहीं होगी तो आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये न्यूक्लियस के बाद सेल का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आगे क्लास में हम लोग लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस बाकी जो सेल के पार्ट्स पढ़े हुए हैं वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।